ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुरैयापुरा आरोली में रहने वाली एक 14 वर्ष की लड़की की शादी मुरैना के संजय कॉलोनी में रहने वाले एक युवक से करवा दी गई। घटना 20 अप्रैल की है, लेकिन बच्ची की दादी ने कम उम्र का हवाला देकर इस शादी को रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन घर वाले नहीं माने, तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की, जानकारी हासिल हुई थी लड़की की उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। ऐसे में उसकी शादी बाल विवाह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लंबी विवेचना के बाद पुलिस ने आखिरकार लड़की की दादी शारदा देवी की शिकायत पर उसकी मां नीतू माई के पक्ष के नाना नानी शीला राम किशन, रिंकू सुनील और भूपेंद्र के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें शादी करने वाले सुनील नामक युवक को भी आरोपी बनाया गया है, जो कि लड़की की मां एवं नाना नानी और अन्य लोगों को भी इस मामले में मुलजिम बनाया गया है। टीम भारती न्यूज। जिसमें कि बच्ची जो है, जो कि 14 साल की बच्ची है, और उसकी दादी ने शिकायत की थी कि इसकी जो बच्ची की मदर और उसके जो मदर के पक्ष के लोग हैं, जो मायके वाले, उनके द्वारा इस बच्ची की जबरदस्ती शादी कर दी, जबकि वो बाल विवाह है और 14 साल उसकी उम्र है। तो इस आधार पर पूरी जब इंक्वायरी की गई तो उसमें फिर बाल विवाह के तहत तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, और उसमें बाल विवाह अधिनियम की धारा 9/11 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जिसमें कि बच्ची की माँ और बच्ची के जो मायके पक्ष के नाम नानी हैं, और इसके अलावा जिस लड़के से शादी की है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।